अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज से ना 2 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी हमने फेसबुक पर और यूट्यूब पर कि ये कुछ दोस्त अहबाब क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैंने इसमें बताया था कि यार ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए क्रिकेट बहुत ज़रूरी है या खेल बहुत ज़रूरी है, इससे ये सेहतमंद भी रहेंगे और बीमारियों से और बुराइयों से भी बचेंगे। तो मैंने एक मैसेज के तौर पे इसको जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगाया था। तो अभी मुझे ना जी एक हमारे फार्मर हैं उनका मैसेज आया, तो पहले ज़रा वो मैसेज सुने आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने वीडियो लगाई ना कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा सर जी गाँव है इधर जेलम चकवाल रोड पर, चकवाल से आते हुए ना, तो हमारे गांव में सिर्फ ग्राउंड नहीं है। अभी हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर मशवरा किया आपस में कि हम यहाँ पे कोई ज़मीन ठेके पे लेंगे, मतलब 8-10-12-15 कनाल, और उसका ग्राउंड ज़बरदस्त तैयार करवा के उसमें बच्चों को खेलने की, जितने भी लड़के हैं गाँव के उनको खेलने की जगह बना के देंगे ताकि ये खेलते रहें और ये जो मोबाइल है और या कि जितनी भी इनके फजूल के काम हैं उनसे जाके बच सकें। और मेरे ख्याल से तो बहुत से ऐसे गुनाह भी होते हैं कि जिससे ये बच्चे बच्चे हैं अगर खेल में लगे रहें, तो ये हमारे लिए भी आप खुशी दुआ करेंगे, अल्लाह करेगी ये हमारा जो मिशन है हम इसमें कामयाब हो जाए। और ये तो बाकी बहुत ज़बरदस्त बात है जी कि खेलने से बच्चों की सेहत भी है और इनका मुस्तकबिल भी है, और ये ज़रूर इंशाल्लाह हम एक प्लान बनाएंगे इसके मुताबिक, एक ग्राउंड बनाएंगे, और जिस दिन ग्राउंड तैयार हुआ मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो भी बना के भेजूंगा इसकी इंशाल्लाह, बस आप हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा जी। जनाब ये देखे जी, मैंने जो है एक वीडियो लगाई और एक अच्छे काम की तरफ जो है वो लोगों को बताया, एक दावत दी। तो आप ये देखें कि अल्लाह की ज़ात किस वक्त किस बंदे के दिल में कौन सी बात डाल दें, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मेरे अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो नेकी की दावत है ना जी, या जो अच्छे काम की दावत है, वो आपको देते रहना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना जी। अल्लाह की ज़ात ने देखे ना जी, एक बंदा कहाँ दूर चकवाल में बैठा हुआ है, तो अल्लाह ने उसके दिल में बात डाल दी। अल्लाह इनको ज़रूर कामयाब करें, तो इनके लिए दुआ कीजिएगा, खसूसी दुआ कीजिएगा, और हम सब मिलकर नीयत करें कि हम जहाँ जितना हमसे हो सके हम लोगों को नेकी की अच्छे काम की दावत दें, ठीक है ना जी। तो एट दी एंड ऑफ द डे जब आपने कब्र में जाना है, आपने मैंने, तो यही चीज़ें जो है ना हमारे काम आने वाली होंगी। अल्लाह हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अपने ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।